हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉलपेपर चेंज करना, कि कैसे हम अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करेंगे। अब वॉलपेपर होता क्या है, जो आपको ये दिख रही है स्क्रीन से, जो ये आपको फोटो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वॉलपेपर बोलते हैं या डेस्कटॉप वॉलपेपर भी बोलते हैं या स्क्रीन वॉलपेपर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे कैसे, वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास यहाँ पे तीन मैंने फोटो ले रखी है, ये तीन यहाँ पे, ठीक है, ये तीन मेरे पास पिक्चर्स है, ये वाली तीन। इनको आज मैं बारी बारी इन तीनों को आपको लगा के दिखाऊंगा डेस्कटॉप में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, माउस से राइट क्लिक करोगे, ठीक है, माउस से करोगे राइट क्लिक। ये देखिए मैंने कर दिया राइट क्लिक, तो आपके पास यहाँ पे ये पैनल सा ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बारी करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ राइट क्लिक माउस से, तो यहाँ पे देखिए पैनल आ गया। आप जाओगे सबसे लास्ट में, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनलाइज, ठीक है, इस पर्सनलाइज पे आप करोगे क्लिक। जैसे ही आप करोगे इस पे क्लिक, तो आपके सामने ये डेस्कटॉप वॉलपेपर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये देखिए होगी, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लिख के आ गया है, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लिखा आ गया, और यहाँ पे हमको प्रीव्यू शो हो रहा है कि हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है, वॉलपेपर जो है, वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे शो होता रहेगा हमको। अब देखिए बैकग्राउंड की हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है बैकग्राउंड, ठीक है, कि बैकग्राउंड हम तीन तरीके के यहाँ पे रख सकते हैं। एक पिक्चर बैकग्राउंड रख सकते हैं, एक कलर बैकग्राउंड रख सकते हैं, और एक स्लाइड शो रख सकते हैं। अभी हम सिर्फ पिक्चर बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ पिक्चर्स है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे चार पांच पिक्चर है, पहले इनको ट्राई करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रीव्यू भी देख लीजिए कैसा हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अपना वॉलपेपर, देखिए ऐसा चेंज हो गया, ठीक है। फिर से दूसरा वाला ट्राई करते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी प्रीव्यू देख लीजिए कैसा रहा, और यहाँ पे भी देखिए कैसा आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको ट्राई करके देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब जो हमारी पिक्चर्स थी ये तीन वाली, अब हमने ये पिक्चर लगानी है। सपोज करो आपने अपनी पिक्चर लगानी है, अपने पेरेंट्स की पिक्चर लगानी है, अपने घर की पिक्चर लगानी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी पिक्चर लगानी हो अपनी, तो उनको कैसे लगाया जाए, तो उनको कैसे लगाएंगे। सपोज कि मैंने ये तीन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए रखी है, इन तीन को अब कैसे लगाएंगे हम, तो अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ पे हम क्या करोगे, यहाँ पे देखिए पिक्चर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ब्राउज में जाके। यहाँ पे हमने पिक्चर सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे जाएंगे चूज योर पिक्चर में, यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है, इसमें हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। जैसे हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे मेरा ब्राउजिंग विंडो यहाँ पे ओपन हो गई। ये देखिए यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स का सा मेरा ओपन हो गया। अब जहाँ पे भी आपकी पिक्चर है स्टोर, वहां पे आपको जाना है, ठीक है, ये आपके किसी फोल्डर में है, वहां पे वहां से आप जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव करके रखी है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए मेरी तीनों पिक्चर यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं बारी बारी इन तीनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक एक ही होगी। मैंने सबसे पहले सपोज कीजिए ये वाली ले ली, फैंसी वाली, इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे चूज पिक्चर। अब देखिए ये मेरी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, फिर से ब्राउज करूंगा, फिर से ये वाली सिलेक्ट करूंगा और चूज कर लूंगा, ठीक है। तीसरी भी कर लेते हैं, ब्राउज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर ली और चूज कर ली, ठीक है। अब देखिए मेरे यहाँ पे तीनों जो मैंने ली थी फोटोज वो यहाँ पे आ गई। अब ये एक देख लेते हैं बर्ड वाली, ये देखिए है ना कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे ये नेचर वाली देख लेते हैं, ये भी मैंने सिलेक्ट कर ली, इसको देख लीजिए नेचर वाली कैसी लग रही है ना। अब तीसरी देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाली देख लेते हैं, तो ये देखिए कैसी लग, ठीक है, ये वाली मुझे ज्यादा बेटर लग रही है। तो इस तरीके से हम अपने बैकग्राउंड का वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। अपने डेस्कटॉप में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे, सबसे लास्ट में पर्सनलाइज को करेंगे क्लिक, और यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड ओपन होगा, यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा। यहाँ से हम बैकग्राउंड में पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम पिक्चर अपनी सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको सिलेक्ट करनी है वॉलपेपर, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई आपको डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।